इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड के भूपेंद्र नगर इलाके पे मौजूद है और यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक संदिग्ध जो है वो पाए गए हैं कोरोना संक्रमित, एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर पाए गए हैं। अगर दोपहर से बात करें, अभी अभी रात के जो है 9 बजने को है और यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन का है या फिर स्वास्थ्य विभाग से कोई भी एम्बुलेंस नहीं आया है और कोविड अस्पताल जो नहीं लेके जाया गया है और वो जो संदिग्ध इंसान है वो अभी तक अपने घर पर मौजूद। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ के जो पार्षद दिलीप सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरे विस्तार में कि आखिर क्या मामला है और अभी तक क्यों नहीं आए हैं और कैसी स्थिति जो है यहाँ पर, उत्तेजना की माहौल फिलहाल जो है वो देखी जा रही है। दिलीप जी बताइए कि क्या घटना है। सभी को पता है सिलीगुड़ी में अभी कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। आज 42 नंबर वार्ड के भूपेंद्र नगर इलाके में एक कोरोना के मरीज का चिन्हितकरण हुआ है और स्वास्थ्य दफ्तर ने बताया कि एक मरीज यहाँ है। अब स्वास्थ्य दफ्तर का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एम्बुलेंस आए और उस व्यक्ति को चिकित्सा के लिए जो अस्पताल है कोविड के लिए वहाँ ले जाए। उस परिवार में और लोग भी हैं, कल से क्वारंटाइन होगा इस इलाके में और क्वारंटाइन का जो नियम है उस नियम को मानते हुए प्रशासन को बताया गया है कि वो कल आके सुबह क्वारंटाइन करे। सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हम लोगों का जो इस समय दायित्व है कि वो सैनिटाइज करना और लोगों को सतर्क करना, इसलिए मेरा यहाँ आना और उस को चिकित्सा के लिए ले जाया जाए इसके लिए मैं भी जोगाजोग कर रहा हूँ हेल्थ दफ्तर से और जो टास्क फोर्स है हेल्थ के लिए उनसे इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि आए और ले जाए। खबर मिली है कि आ रहे हैं लोग, ले जाएंगे। सर, आप लोग सुबह से कितने दफ़ा फ़ोन कर चुके हैं? नहीं, सुबह से तो ये चिन्हितकरण नहीं हुआ था। चिन्ह मुझे और ये जो लिस्ट मिला है वो दोपहर के बाद का है और उसके बाद रेगुलर अभी अभी छन छन में बातें हो रही हैं। 10-15 मिनट के बाद बाद ही मैं इत कर रहा हूँ कि भाई, लेकिन आज सिलीगुड़ी में 20 मरीज मिले हैं, इसीलिए प्रशासन को भी और स्वास्थ्य दफ्तर को भी समय लग रहा कि 20 को ले जाए। इंतजार कर रहा हूँ। जब मिली रिपोर्ट और उसके बाद अभी लगभग रात के 9 बज रहे, अभी तक नहीं ले जाया गया, स्थानीय लोग जो है वो काफ़ी चिंतित दिख रहे, क्या कहें? बिल्कुल चिंता का विषय है, ले जाना चाहिए, लेकिन सरकार का भी तो अपनी विभिन्न तरह की बाध्यताएं हैं, विभिन्न तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं उस वितर्क में नहीं जानना चाहूँगा, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि आए और ले जाए और जल्द ले जाए क्योंकि यहाँ लोग अपने अपने घर जाएँ, भीड़ ना हो, और इसलिए मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। स्वास्थ्य दफ्तर से मेरी अभी बात हुई कि आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, मैं लंबा लग रहा समय, लेकिन आ जाना चाहिए उन लोगों को। मैं तो खबर पाने के बाद से ही फ़ोन पर उन लोगों से जोगाजोग कर रहा हूँ और अभी भी मैं बात किया कि भाई आप कितने देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं? मैं तो यहाँ हुआ 1.5-2 घंटे मैं यहाँ बैठा हूँ और ये तो उनको मेरे से पहले पता है, स्वास्थ्य दफ्तर को तो मुझसे पहले पता है और यहाँ प्रशासन के लोग भी हैं, पुलिस प्रशासन भी है, देखा जा रहा है और आज ही ले जाएंगे। बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि करीब करीब 1.5-2 घंटे से जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोगों की जो है भीड़ आपको दिख रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर आ पहुँची है फिलहाल, ये स्थिति हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन फिलहाल मौके पर आ पहुंची है और अगर उल्टी तरफ अगर बात करें तो वहां पर भी काफ़ी लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इलाके में कोई भी एक कोरोना संदिग्ध पाया जाता है और उसके बाद भी इतने देर हो जाने के बाद जब ऐसा होता है, स्थिति तो काफ़ी गंभीर हो जाती है। यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं इनसे भी बातचीत करें। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। यहाँ तो हमारा 5 समय खबर पाइलम तो पारार किसु हमारे मान्यगण्य व्यक्तिराव खबर आखसे स्वास्थ्य मंत्रक थे हॉस्पिटल थे उनार बाड़ी फोन कर एक पजिटिव पावा गेसे तो तड़ी घड़ी हमारा पारार किसु मान्यगण्य लोक के ऐले पे नहीं उनार बाड़ी गेसिलाम। उनके एक सांत्वना दीछी भयर को कारण नहीं, करोना हम जो लोक मारा जाए यहाँ को कथा नहीं, क्यों अपन के रायन आश्रय प्रशासन के डाकते हो। আমরা যদি তোমাদের সহযোগিতা করতে পারি
তাহলে আমাকেও ভালো লাগবে। তো আমরা পাড়ার লোককে সবাইকে বলছি আপনারা সবাই হাত বাড়ান, এরা যেন ভয় না খায়। তো এটার জন্য আমাদের কাউন্সিলর মাননীয় 42 নম্বর ওয়ার্ড এবং বিভিন্ন আমাদের সুরজদা, ইনি যেহেতু আছেন, ইনিও আসছেন, ওনার বাড়িতে সান্ত্বনা দিয়ে আসছেন। ওরা কিন্তু ভেঙে পড়ে গেছে যে ওরা কোথায় যাবে, কিন্তু আমরা সবাই সাহায্য দিছি যে কোনো ভয়ের কারণ নেই, আমরা আছি সবাই, প্রশাসন তোমার সাথে আছে, ডাক্তার আছে, আমরাও আছি। আপনারা কল্যাণডারে যান, যা যেখানে নিয়ে যায় প্রশাসন সেখানে আপনার সুরক্ষা থাকেন, আর আপনারা যতগুলো লোক আছেন তারা একটু টেস্ট করে আপনারা নিশ্চিতভাবে আপনি বাড়িতে থাকুন, এটাই আমরা আশা রাখবো আপনাদেরও কাছে বা প্রশাসনের কাছে। এবং হ্যাঁ, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से जब कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट जब सामने आई तो उसके बाद वो लोग जो है वो काफ़ी डरे हुए हैं, लग रहे हैं, हालांकि आने से ही लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्या बताएंगे आप? तो हम लोग तो आज ने सुना कि 5 बजे करीब हम लोग सुना कि यहाँ हम लोग भूपेंद्र नगर 42 नंबर वार्ड में एक लड़का को कोरोना पॉजिटिव हुआ, इसीलिए हम लोग आया पाड़ा की तरफ से। तो हम लोग देखा कि ऑलरेडी वो घर में ही बैठा हुआ है, तो हम लोग जाके बोला कि तुम लोग घर में रहो, हम लोग हैं, अभी डॉक्टर आ रहा है, पुलिस प्रशासन आ रहा है, आप लोग को बढ़िया से ले जाएगा, आपको चिंता करना नहीं है, हम लोग हैं। और कोरोना से सब नहीं मरता, ज़्यादातर ठीक होके आया है हम लोग इंडिया में। ये हम लोग यही बोलने चाहते हैं कि कोरोना ऐसा चीज़ है कि साथ किसी को नहीं ले जाएगा, तो इसीलिए उनको एक हम लोग एक भीतर से एक जो बल दे रहा है हम लोग का पाड़ा का हिसाब से, तो इसीलिए उनको बोला है। अभी प्रशासन आ रहा है, उनके लिए हम लोग बैठा हुआ है। तो पाड़ा का आदमी तो आप जानते हैं, तो सबका आतंक हुआ है, अब जब तक नहीं ले जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर है। कल में हम लोग देख रहे हैं कि सैनिटाइज करेंगे पूरा पाड़ा में, कल में सुबह आके और आसपास में उनका आसपास में जो घर है उनको भी देखेंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो एक आतंक का माहौल यहाँ पर बना है। हालांकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, इनको भी मानना चाहिए कि लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, इसका पालन करें। हम आप सभी से अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, जिसको काम नहीं है अपने अपने घरों पर जाइए आप लोग। तो ऐसी एक आतंक की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी मददगार हैं, सहयोग कर रहे हैं, और वो ये स्थानीय लोग उन लोगों में से नहीं है जो उनकी फ़ोटो, उनकी बायोडाटा को जो है पब्लिकली लीक करें, ये बल्कि उन लोगों में से है जो कि इनका सहयोग कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। और ये काफ़ी ज़रूरी है इस वक्त जिस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो इनकी मदद करें। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि शाम को 5 बजे जब खबर मिली, और अभी रात के 9 बज रहे हैं, अभी फ़िलहाल कुछ देर में 9 बजने वाले हैं, और अभी ऐसी स्थिति 4 घंटे हो गए लेकिन कोई भी जो है स्वास्थ्यकर्मी कोई भी यहाँ पर नहीं आए हैं। और यहाँ के द्वारा जो लोग फ़ोन किए तब जाकर के हम यहाँ पर अभी खबर करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है दिलीप सिंह जी, वो खुद यहाँ पर तैनात है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर आई है, जो दुकानें खुली हुई हैं उनको भी बंद करवा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाया जा रहा है। हालांकि ये काफ़ी ज़रूरत है, पुलिस की गश्त आप देख ही सक रहे हैं कि टहलदारी जो है पुलिस की वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि लोग काफ़ी डर जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं। डरने का बात नहीं है, आप सभी से हमारी यही अनुरोध है कि बस कुछ ही देर में यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उनको कोविड अस्पताल में ले जाया जाएगा, इस जगह को सैनिटाइज किया जाएगा, ज़रूरत पड़े तो इस जगह को बैरिकेटिंग भी की जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो ठीक से अगर अपना ट्रीटमेंट करवाए तो वो सभी ठीक होकर के बहुत जल्द घर लौट पाएंगे। ऐसे ही अपडेट्स इसकी क्या कुछ आती रहेगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए SK Live।